मिस्टर गुड बोले यस सर प्लीज आइए हाँ ये लीजिए कैसा लग रहा है हेवन थैंक यू ये छोटा सा सुख था मिस्टर नचिकेत यस सर आपने मुझसे कहा था कि आपका सपना है कि हमारे ही ऑफिस में काम करने वाले मिस महात्रे से आपका रिश्ता जुड़े सर नो डोंट गेट एम्बैरेस्ड मिस महात्रे भी ऐसा ही चाहती हैं हाँ मिस महात्रे प्लीज देखिए इनकी आंखों में प्यार देखिए खुशी देखिए मिस्टर श्रीनिवासन यस सर मेरा घर का सपना पूरा होने जा रहा है अब आप छोटी सी चौल में नहीं रहेंगे मेरी ऑफिस की नई ब्रांच में आप मैनेजर होंगे आपकी सैलरी 85,000 रुपीज से बढ़ाकर 1,15,000 की जाती है और आपकी 10 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 15,00,000 रुपए का थैंक यू सर थैंक यू नो 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 डोंट थैंक मी यू फुली डिजर्व इट प्लीज सर हाँ तो मिस्टर सुबोध मेहता नाउ प्रूव इट टू मी दैट आई एम रॉन्ग ये सब लोग जो इस समय अनुभव कर रहे हैं सुख का वो सुख नहीं है भ्रम है प्रूव इट और मैं कहीं सुनी नहीं खुद के अनुभव की बात कर रहा हूं और सिर्फ मेरी या इन लोगों की नहीं इस दुनिया के मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं इस सुख को कैसे झुटला सकते हैं आप सुबोध बेटा महेंद्र जो कह रहा है उसे समझने की कोशिश कर और मेरे साथ चल मेरी कंपनी अभी भी तेरा इंतजार कर रही है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा को यहां लाने के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूंगा महेंद्र यू वेलकम यहां हो सकता है पापा मेरे मन की बात सुने और उसे समझने की कोशिश करें अगर तुम सही साबित हुए तो अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी पापा मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा पर कहीं मेरी बात अगर सही साबित हुई तो महेंद्र तुम भी अपनी जिद छोड़कर अपने पापा की इच्छा पूरी करना कौन सी इच्छा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरा सपना साकार हो रहा है अभी कहूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग करने के लिए तुम्हारे पापा का सहारा लिया और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बात से तभी सहमत हों जब आपको मेरी बात सही लगे हालांकि मुझे पता है कि यह काम मुश्किल है पॉपुलर बिलीफ से एकदम ही विपरीत है और मेरी बात सही लगे तो भी शायद अच्छी ना लगे ऐसे भी चांसेस हैं लेकिन कोई बात अगर सच्ची हो तो उसमें इतनी ताकत अपने आप आ जाती है कि वो सबके दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाती है और मैं सुख की ऐसी ही ठोस सच्चाई से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा सुख एक ऐसी वंडरफुल और मजेदार फीलिंग है कि हम उससे कभी अलग होना नहीं चाहते सुख की चाह हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है सपनों से भर दो कमरा फुल फिर एक चीज मिलेगी वंडरफुल द अर्ज ऑफ हैप्पीनेस इन एवरी लिविंग बीइंग तो क्या सुख की सर्वमान्य व्याख्या ऐसी कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, कभी जी ना भरे अग्रीड पापा हाँ एवरीबॉडी सॉरी सर सॉरी वो बस बिगड़ गई फिर मैं चलकर आया और धूप इतनी तेज थी कि एक मिनट भाई आप जरा यहाँ आएंगे भाभी दो गिलास शरबत मिल सकता है हाँ
ऐसा शरबत जो मन को ठंडक दे, सुख दे। अब ये एक शरबत आपके लिए है और एक शरबत आप यहाँ आएंगे प्लीज। हाँ। अब ये दोनों एक साथ एक जैसा शरबत पिएंगे प्लीज। अब इन दोनों में से किसको ज्यादा सुख मिला? ऑफ कोर्स प्यून को ही ज्यादा सुख का एहसास होगा क्योंकि वो धूप से आया है। गौर करना, चीज वस्तु एक जैसी ही है, क्वालिटी भी एक ही है, फिर भी सुख की मात्रा में फर्क है। बता सकते हैं क्यों? सिंपल है, मैं यहाँ छाव में बैठा था इसलिए मुझे शरबत की प्यास कम थी और ये धूप से आए तो। सॉरी टू इंटरप्ट, प्यास का अनुभव सुख है या दुख? ऑफ कोर्स दुख, प्यास किसे अच्छी लगती है? ये बात आप लोग ध्यान में रखना प्लीज। कंटिन्यू। मुझे प्यास कम थी और ये धूप से आए इसलिए इन्हें प्यास ज्यादा थी, इसलिए सुख का अनुभव तो इन्हें ही ज्यादा होगा ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शरबत एक जैसा होने पर भी जिसको सुख का ज्यादा अनुभव करना है उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रहकर अपनी प्यास का दुख बढ़ाना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देख रहे हो। इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही नहीं है कैनल, मैं तो यूनिवर्सल लॉज की ही बात कर रहा हूँ। बताओ मैं सही हूँ? करेक्ट। तो अब इस सुख की बुनियाद क्या है, शरबत या प्यास का दुख? उसकी प्यास का दुख। अरे भाई कम या ज्यादा, लेकिन शरबत से सुख का अनुभव तो हुआ ना। मतलब तुम्हारे हिसाब से शरबत हमेशा सुख ही देगा, दुख नहीं, राइट? ठीक है, भाभी सर के लिए एक शरबत और लाना प्लीज। नहीं नहीं, अब प्यास नहीं है। अरे प्यास का दुख खत्म होते ही इनका मुंह तो बिगड़ गया। पर मुंह बिगड़े तो बिगड़े, हम तो इन्हें सुख देना चाहते हैं इसलिए हम तो इन्हें थोड़ा और शरबत पिलाएंगे प्लीज। सुबोध रहने दे, उसे तकलीफ हो रही है। मगर शरबत तो। ओके ओके, आई एम कन्विंस्ड। मतलब जितना प्यास का दुख उतना ही सुख, उसके बाद तो उल्टा उसी से दुख। इनका बिगड़ा हुआ मुंह हम सबने देखा, राइट महेंद्र? ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू। अब आप मिस्टर जिनका चौल से फ्लैट में शिफ्ट होने का सपना है, यहां और कोई है जो झोपड़े में रहता है? हाँ मैं। आप खुश हैं झोपड़े में? नहीं साहब, घर एक हो पर घर पक्का हो इसीलिए मेहनत कर रहा हूं। तो जब तक घर पक्का बन नहीं जाता उसकी इच्छा आपको सुख देती है या दुख? दुख। बैठिए। अब बताओ महेंद्र, इच्छा में सुख है या दुख? ओके। अब और कोई जो फ्लैट में रहता हो लेकिन बंगलों में जाना चाहता हो? सर मी एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। तो अब बताओ किसको ज्यादा सुख मिलेगा? तीनों को अलग अलग घर चाहिए, तीनों उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि उनको अपना मन चाहा घर मिल जाता है, तो घर में पहला कदम रखते ही सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा? भाभी तीनों को एक जैसा ही सुख मिलेगा। क्यों? घर की क्वालिटी और घर की कीमत तो अलग अलग है। हाँ फिर भी तीनों की चाह तो एक जैसी है ना, तो सुख भी एक जैसा ही मिलेगा। मतलब घर की क्वालिटी अलग अलग, फिर भी घर पाने की इच्छा और मेहनत की पीड़ा एक जैसी होने की वजह से पीड़ा के शमन का आनंद भी एक जैसा। हाँ लेकिन घर सुख तो नहीं, गो ऑन, यू आर राइट। महेंद्र साधनों से सुख मिलता ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारे सुखों की बुनियाद दुख ही है।
गौर करना। नाउ मिस्टर आशिक, सॉरी आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर क्या ये प्यार वाला अनुभव आपको पहली बार हुआ है? हिचकिचाइए मत। देखिए रिलेशन में जितनी ऑनेस्टी होगी वो उतना मजबूत बनेगा। बोलिए जी। इससे पहले मेरा एक अफेयर था। तो क्या उस वक्त भी आपको ऐसी ही फीलिंग हुई थी? हाँ। या फिर इससे भी अच्छी, क्योंकि वो फर्स्ट लव था? शायद हाँ। सॉरी थोड़ा और इंटरफेयर कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको भी हर प्रेमी की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलना, लंबी लंबी बातें करना, साथ घूमना फिरना, साथ रहना अच्छा लगता था? हाँ। और जब ब्रेकअप का समय आया तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ आपने सुख की कल्पना की थी अब उसकी प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करती हो? मगर वो नहीं, नहीं। आपके ब्रेकअप के जेन्युइन रीजंस होंगे। आप पर डाउट करके आपकी छवि को बिगाड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ इस बात में सुख कहां से ओरिजिनेट हो रहा है ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो इरिटेशन वाला स्टेज आया था आपके रिलेशन में? हाँ। थैंक यू। सॉरी। यानी क्या हम ये कह सकते हैं पापा कि यहां व्यक्ति वही, एक्टिविटीज वही, लेकिन मन बदल गया तो उसी व्यक्ति का मिलन अब दुख का कारण बन गया? हाँ। अब एक और उदाहरण देता हूं सुख का। साधन छोटा फिर भी सुख बड़ा। महीने में 3,000 रुपए कमाने वाले मजदूर को 50,000 की लॉटरी लग जाए और महीने में 10,00,000 रुपए कमाने वाले आदमी को 1,00,000 की लॉटरी लगे तो कौन ज्यादा खुश होगा? ऑफ कोर्स मजदूर, क्योंकि 50,000 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, जबकि दूसरे आदमी के लिए 1,00,000 रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है। करेक्ट। यानी कि गरीब आदमी जो उस 50,000 के लिए खून पसीना बहा रहा था, मेहनत मशक्कत कर रहा था, उसके लिए झुलस रहा था, उसे उतना सुख मिला, लेकिन श्रीमंत आदमी की तड़पन 1,00,000 रुपए जितनी छोटी नहीं थी। उस बेचारे को तो शायद 50,00,000 रुपए मिलते तब जाकर सुख मिलता। राइट पापा? मतलब पेन रिलीफ का प्रोसेस ही सुख बन के रह गया है। जिस चीज का पेन होगा उसको रिलीव करने में ही उसको सुख मिलेगा। सो एवरी मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इज एक्चुअली अ पेन किलर रेमेडी, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। ऐसा करके भी अगर सुख मिलता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो हॉस्पिटल में जाना या घाव लगने पर मरहम पट्टी करना या रोग होने पर दवाई करना, इन सबको भी एंजॉयमेंट मानना पड़ेगा। अब एक उदाहरण और देना चाहता हूं जहां व्यक्ति एक है, चीज एक है, पर सुख अलग अलग है। वो सर कहां है जिन्हें रसगुल्ले में हेवन दिखा? यस सर। लीजिए। हाँ। एक और। एक और लीजिए। नहीं बस। प्लीज एक और। नहीं साहब, उल्टी हो जाएगी। श्योर नहीं चाहिए? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। आप बैठिए। मतलब जैसे जैसे तृष्णा का दुख घटता गया सुख भी घटता गया, और जैसे ही तृष्णा का दुख गायब सुख भी गायब, उल्टा दुखदायक बन गया। इससे प्रूव होता है कि सारे भौतिक सुख वस्तु आधारित या व्यक्ति आधारित नहीं बल्कि दुख आधारित होते हैं। अगर भौतिक सुखों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है, प्यास और तृष्णाओं में झुलसना पड़ता है,
तब कहीं जाकर उस दुख को हल्का करने का प्रोसेस इंजॉयमेंट बन पाएगा। अब बताइए, ऐसे भ्रामक सुखों के पीछे दौड़ते दौड़ते क्यों अपना सारा जीवन यूं ही गवा देना? नहीं नहीं, यूं ही कैसे? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, मेहनत, बुद्धि और लगन से सक्सेस हासिल करते हैं, उनके जीवन को यूं ही गवा देना कैसे कह सकते हैं? ठीक है, एक नजर ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। होता यह है कि बचपन में खिलौनों में सुख दिखता है, थोड़ी समझ आते ही दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। तब खिलौने छोड़कर यार दोस्त, होटल, सिनेमा, प्यार मोहब्बत, इन सब में ही दुनिया भर का सच्चा सुख है ऐसा मानने लगते हैं। पर मैच्योरिटी आते ही सेफ एंड सिक्योर भविष्य में सुख नजर आने लगता है। फिर डिग्री, नौकरी, बिजनेस, बीवी, बच्चे, परिवार, ये सब जमाने में ही सही सुख लगता है। ये सब मिलता है तो अगली स्टेज में बेस्ट इन बिजनेस एंड बेस्ट इन सोसाइटी बनने की कोशिश रहती है। और जैसे तैसे मेहनत, मशक्कत, टेंशन, रिजेक्शन, एडजस्टमेंट, ये सब करते करते सब पा भी लें तो तब तक उम्र निकल जाती है, शरीर लड़खड़ाने लगता है, तब परिवार से सच्चा सुख मिलेगा ये सोचते हैं। पर तब तक तो उनकी अपनी सुख पाने की यात्रा शुरू हो चुकी होती है, उसमें चाहते हुए भी वो आपको कितना समय दे पाएंगे? अब बताओ महेंद्र, इस पूरी जीवन यात्रा में कहीं भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की वजह से कहीं भी ऐसा सुख मिलता है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, जिससे कभी जी ना भरे, ऐसा सुख मिलता है? मिलता है तो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के मायने क्यों बदल जाते हैं? क्यों उम्र बढ़ते ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं? प्रॉब्लम यह है कि हम सुख की भ्रमणा से प्रेरित होकर दौड़ते ही रहते हैं और अंत में अनंत इच्छाओं से पैदा हुए दुख के ढेर पर सुख का इंतजार करते बैठे रहते हैं। और महेंद्र, ये भी कही सुनी नहीं बल्कि अनुभव की बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं बल्कि दुनिया के मैक्सिमम जीवों की बात कर रहा हूँ। आप ही बताइए पापा, इसमें कहाँ है सुख? आपकी कंपनी में मिलेगा मुझे सच्चा सुख? और ये सब सुनकर क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस भौतिक विश्व में किसी ने भी इंद्रियों के भोगों के साधनों से कभी ऊब ना जाए ऐसा सुख पाया है? नहीं पाया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे भौतिक सुख दुख से इतने गहरे जुड़े हैं कि जैसे ही दुख गायब होता है सुख ऑटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कहां रहता है सुख? क्योंकि सुख की व्याख्या तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जिससे कभी ऊब ना जाए वही सुख है। आई नो बाबू भाई, तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता जब कोई आपके जीवन भर के बिलीफ को तोड़ दे, झुठला दे, पर सच को नजरअंदाज करोगे तो बेवकूफी होगी। आई नो इट इज डिफिकल्ट, हमारी बुद्धि उसे मान भी ले लेकिन ईगो उसे स्वीकारती नहीं है, पर भ्रमणाओं में जीने में नहीं सत्य को स्वीकारने में ही समझदारी है। He is right. या हाईला, महेंद्र बापूजी बोले, बापूजी, अरे सुपर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे बात चमत्कार हो गया बापूजी। मान जाओ बेटा, वरना मेरी जैसी हालत होगी। ये देखो भाई, आपका नाम भूल गया हूँ, आपकी बातें याद है, हमारे बीच हुई बहस की एक एक बात याद है, सक्सेस के नशे में जिस सत्य को नकारा था, बुढ़ापे और बीमारी में वही सच अनुभव बनकर मेरे सामने आया। उस वक्त खुले हृदय से इस बात को स्वीकार लेता तो आज शायद ये नौबत ही नहीं आती। खैर, मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो मेरे बच्चे ना करें और अपने जीवन को पशु समान बनाकर ना गवाएं। क्या आप मेरा इतना काम कर सकते हैं?
मेरे बच्चों को वही बात समझा सकते हैं जो आपने मुझे समझाई थी? प्लीज। कुछ साल पहले इंसिडेंटली हमारी मुलाकात हुई थी, तब आपके पापा ने भी मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। ईगो। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे लगने लगा कि मैं दुखों के ढेर पर बैठकर सुख का इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो ये नहीं चाहते थे कि आप सबकी दशा भी ऐसी ही हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहां बुलाया। अगर ये सच है तो भी कितना रूखा सच है। सब छोड़ दो, संसार छोड़ दो, सब झूठा है, मोह माया है, तो क्या सच है? सुख कहाँ है? करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बात सच्ची लग भी जाए तो भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सच्चे सुख का स्वाद चखा नहीं अब तक। एक चेन स्मोकर सिगरेट छोड़ेगा तो कुछ दिन तक आकुल व्याकुल हो ही जाएगा, कहीं मन नहीं लगेगा उसका। ऐसा ही है ये, जन्मों जन्म से सुख की भ्रमणा को ही सुख समझने की आदत पड़ चुकी है। बिलीव मी, जिस दिन सच्चे आत्मिक सुख की अंश मात्र भी अनुभूति हो जाएगी, ये सारे सुख आपको फीके लगने लगेंगे। असल में ये बात रूखी नहीं है, आप जिसे सुख समझते हैं वो रूखा है, इनफैक्ट डेंजरस है। कितने संघर्षों के बाद क्षण भर का सुख और सहनी पड़ती है युगों की यातना, बार बार लगातार जीवन और मृत्यु की पीड़ा। कीड़े मकौड़े घास फूस बनकर पैरों तले रौंदे कुचले जाएंगे, पेड़ पौधे बनकर सर्दी बारिश धूप सहते हुए सालों तक एक ही जगह जबरदस्ती खड़े रहना पड़ेगा। कुत्ते बिल्लियों वन्य प्राणियों की तरह हर पल अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। असह्य दुखों से भरे नरक का मुंह भी देखना पड़ेगा। सारी की सारी योनियों में बार बार लगातार जीवन और मृत्यु की पीड़ा हो, क्या ऐसा सुख डेंजरस नहीं है? अरे वास्तव में तो यहां दुखों को छोड़ने की बात है, सब कुछ छोड़ने की नहीं। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है, क्रोध छोड़ना है, क्षमा को पाना है, भय चिंता छोड़कर स्वस्थता और निर्भीकता को पाना है, क्योंकि सचमुच में तो यही सब अंदर के दुख हैं। लेकिन इन सब सुनहरी बातों से अंत में क्या पाना है? आनंदमय जीवन को ही पाना है। धर्म शास्त्रों के सहारे जीवन दिशा को ढूंढें तो आत्मा के गुणों का ऐश्वर्य, परम तृप्ति और निर्दोष आनंद की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसा हो अगर सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित ना हो, अपना हो, अपने अंतर से उभरता हो? कैसा हो अगर सुख किसी काम, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं की भ्रमणाओं के आधार पर ना हो, सच्चा हो, सहज हो, बिना किसी प्रयत्न के हो? कैसा हो कि सच्चा सुख क्षणिक ना होकर सतत हो, निरंतर हो? ऐसा सुख मिले जिससे कभी ऊब ना जाओ। रसगुल्ला हो या राज संपत्ति, आदमी उससे ऊब ही जाता है, फिर आगे किसी और चीज में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी आत्मा में ऐसा सुख हो जिससे कभी जी ना भरे, जहां कोई शंका कुशंका द्विधा नहीं पर कंप्लीट क्लैरिटी है, जहां कोई डर भय चिंता नहीं बल्कि आत्मा की निर्भय स्थिति है। और क्या कहूं ऐसे सुख के बारे में जिससे आपको ये सुख रूखा ना लगे? ऐसा सुख सचमुच में होता है? हम इसे पा सकते हैं? हाँ, 100% होता है। आपको क्या लगता है? शास्त्रों की अनेक शाखाओं के पारगामी हमारे ऋषि मुनि सालों तक तपस्या क्यों करते थे? अपने शरीर को पीड़ा देकर भी जंगलों में, पर्वतों की गुफाओं में ध्यानमग्न क्यों रहते थे? पागल थोड़ी थे कि घर बार संसार छोड़कर यूं ही चले गए? वो तपस्या कर रहे थे संपूर्ण सुख पाने के लिए, मोक्ष का सुख पाने के लिए। और इन सुखों को प्राप्त करने से आपको भी कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है साधना की,
क्योंकि अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो उम्र के आखिरी पड़ाव में कीमती मनुष्य भव यूं ही व्यर्थ गवा देने की निराशा का सामना करना पड़ेगा। और मनुष्य भव के अलावा बाकी किसी भव में ज्ञान पाने की संभावना रेयर या नहींवत है। आपको क्या करना है महेंद्र, सोच लो। मोक्ष नाम की वंडरफुल चीज चाहिए या इसी दुख आधारित सुख की भ्रमणा में ही जीते रहना है? तय आपको करना है। मैं क्या कहूं, अब कुछ कहने को छोड़ा ही कहां है आपने। ऑब्वियसली सॉरी बोलना तो बनता ही है, सो आई एम सॉरी। और अब ये भी बता दो कि आगे क्या करना है इस मोक्ष नाम की वंडरफुल चीज को पाने के लिए। मोक्ष शिखर तक पहुंचने के लिए ज्ञान के ऐसे कितने स्तर पार करने होंगे, उन्हें पार करने की तरकीब क्या है, और एक एक स्तर पार करने से क्रमशः कैसे आत्मा का दुख घटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा, ये सब देखना समझना हो तो पधारिए सत्यशोधक दृष्टि से पूर्ण ज्ञान की यात्रा में।